हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू योर ओन शो ऑफ इकोनॉमिक्स दैट इज इकोनॉमिक्स ऑन द मूव। तो आज मूव करते हैं वीडियो नंबर 52 पे, जिसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स का सबसे लास्ट टॉपिक डिस्कस करना है। तो देखते हैं कि इस लास्ट चैप्टर में वो कौन कौन से टॉपिक हैं जो कि वन बाय वन हमको टेकअप करने हैं। तो आज जो हमको एक्चुअली डिस्कशन करना है वो मार्केट इक्विलिब्रियम से रिलेटेड है। यानी इससे पहले हमने जब डिस्कशन किया तो हमने प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम का डिस्कशन किया, हमने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का डिस्कशन किया। प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में बेसिकली हमने इस चीज़ पे बात की कि वो कौन सा पॉइंट होगा जिस पॉइंट पे अगर हमारा प्रोड्यूसर प्रोडक्शन करेगा तो वो पॉइंट उसके लिए सबसे ज़्यादा पॉइंट ऑफ सेटिस्फैक्शन होगा या फिर पॉइंट ऑफ प्रॉफिट होगा। इसी तरीके से कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की हमने बात किया कि आउट ऑफ द गिवन बजट अगर कंज्यूमर एक कमोडिटी या दो कमोडिटी को परचेज करता है तो वो कौन सा पॉइंट होगा बेसिकली जहाँ पे उसको सबसे ज़्यादा बेनिफिट, सबसे ज़्यादा एडवांटेज या सबसे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन हासिल होगा। तो इसी कंज्यूमर और प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम के ट्रेंड को आगे बढ़ा के फाइनली हम मार्केट इक्विलिब्रियम में पहुंचते हैं और देखते हैं कि मार्केट इक्विलिब्रियम में एक्चुअली वो इक्विलिब्रियम का पॉइंट कौन सा होता है। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम मार्केट इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं तो इक्विलिब्रियम मतलब वो पॉइंट जहाँ पे सबसे बैलेंस पॉइंट होता है। बैलेंस पॉइंट का मतलब ये हो गया कि वो पॉइंट जहाँ पे सबसे ज़्यादा बेनिफिट हासिल होता है, एडवांटेज हासिल होता है। तो मार्केट इक्विलिब्रियम का मतलब मार्केट की वो पॉइंट होगी जहाँ पे मार्केट सबसे बेहतरीन लेवल पे, सबसे बेहतरीन कंडीशन में है। तो मार्केट इक्विलिब्रियम इज अ स्टेट ऑब्लिक कंडीशन ऑफ मार्केट व्हेन डिमांड फॉर अ कमोडिटी इज एग्जैक्टली इक्वल टू इट्स सप्लाई। यानी यहाँ पे अगर बात की जाए कि मार्केट इक्विलिब्रियम बेसिकली वो स्टेट या फिर वो कंडीशन होती है मार्केट में जहाँ पे डिमांड एग्जैक्टली मैच किससे कर जाती है, एग्जैक्टली मैच कर जाती है सप्लाई से। यानी हम ये कह सकते हैं कि डिमांड फॉर कमोडिटी लेट सपोज एक्स है इज इक्वल टू सप्लाई फॉर द कमोडिटी एक्स। तो यानी मार्केट इक्विलिब्रियम कब होगी, मार्केट इक्विलिब्रियम विल अकर व्हेन द डिमांड फॉर कमोडिटी विल एग्जैक्टली बी इक्वल टू द सप्लाई ऑफ कमोडिटी। अब यहाँ पे अगर हम इक्विलिब्रियम प्राइस की बात करें, इक्विलिब्रियम प्राइस क्या होगी, इक्विलिब्रियम प्राइस वो प्राइस होगी जहां पे मार्केट उस एग्जैक्टली अपने आप को क्लियर कर लेती है। क्लियर करने का मतलब ये होता है कि देखिए बहुत सारी प्राइजेस होती हैं जिन प्राइस पे कभी डिमांड ज़्यादा रहेगी, सप्लाई कम रहेगी, सप्लाई ज़्यादा रहेगी, डिमांड कम रहेगी, लेकिन एक ऐसा पॉइंट आता है जहां पे हमारा डिमांड और सप्लाई एक दूसरे के बिल्कुल बराबर आ जाती है, जो कि आगे अभी हम शेड्यूल के फॉर्म में भी उसको डिस्कस करने वाले हैं। इक्विलिब्रियम क्वांटिटी की बात की जाए तो द क्वांटिटी दैट लीव्स नो एक्सेस डिमांड और सप्लाई, ठीक है। तो यानी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी बेसिकली वो क्वांटिटी होगी जिसमें हमारी कोई भी एक्सेस डिमांड या फिर एक्सेस सप्लाई नहीं होती है। यानी अगर लेट सपोज कि 500 मार्केट में एप्पल का डिमांड हुआ तो एग्जैक्टली 500 ही सप्लाई होगा। यानी यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि बेसिकली मिस यूटिलाइजेशन, डिस यूटिलाइजेशन या फिर वेस्टेज ऑफ रिसोर्स जैसी चीज यहाँ पे नहीं होती है। यहाँ पे हम इक्विलिब्रियम क्वांटिटी की बात कर रहे हैं तो जितना प्रोडक्शन हुआ एग्जैक्टली उसी के बराबर ही कंजप्शन हो रहा है। अगर ऐसा होता है तो इसको हम इक्विलिब्रियम क्वांटिटी कहते हैं। ओके, मार्केट इक्विलिब्रियम की जो हमने अभी थियोरेटिकल पोर्शन को डिस्कस किया था उसको थोड़ा सा शेड्यूल और ग्राफ के फॉर्म में देखते हैं कि क्या है। तो यहाँ पे एक मैंने शेड्यूल ड्रॉ कर लिया जिसमें प्राइस को मैंने ले लिया, क्वांटिटी सप्लाई ले लिया है और क्वांटिटी डिमांड ले लिया। प्राइस के ट्रेंड को कुछ ऐसा लिया कि बेसिकली प्राइस राइज थी और उससे हाई प्राइस थी और उससे फॉल करती गई। तो और क्वांटिटी सप्लाई, आपको पता है कि क्वांटिटी सप्लाई और प्राइस के बीच में पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। यानी प्राइस जब हाई है तो क्वांटिटी सप्लाई भी हाई होगी, प्राइस जब फॉल करेगी तो क्वांटिटी सप्लाई भी फॉल करती है, बिकॉज ऑफ द रीजन कि ये सप्लाई के पॉइंट ऑफ व्यू से होती है और हमारे सप्लायर को लार्ज प्रॉफिट पे, आई मीन राइजिंग प्राइसेस पे ज़्यादा प्रॉफिट होता है तो वो ज़्यादा सप्लाई करता है। ऑन द अदर हैंड अगर हम क्वांटिटी डिमांड की बात करें तो जब प्राइस बहुत हाई है तो एक कंज्यूमर कम सामान खरीदता है, लेकिन जब प्राइस फॉल की तो कंज्यूमर ज़्यादा सामान खरीदना शुरू कर देता है। यानी यहाँ पे अगर शेड्यूल पे ही मैं डिस्कशन कर लूँ तो शेड्यूल पे अगर आप देखो तो यहाँ पे शेड्यूल पे जो है ये देखने को क्या मिल रहा है, यहाँ पे देखने को मिल रहा है एक्सेस सप्लाई। क्या देखने को मिल रहा है, एक्सेस सप्लाई। क्यों, बिकॉज ऑफ द रीजन कि यहाँ क्वांटिटी सप्लाई 50 है, डिमांड कितनी है 10 है, यहाँ क्वांटिटी सप्लाई 40 है, डिमांड कितनी है 20 है, तो यानी एक्सेस डिमांड है। लेकिन ऑन द अदर हैंड नीचे की तरफ अगर हम आ जाए तो जब प्राइस 2 है तो क्वांटिटी सप्लाई 20 है और क्वांटिटी डिमांड कितनी है 40 है,
प्राइस जब वन है तो क्वांटिटी सप्लाई बहुत नीचे आ गई, लेकिन उसके मुकाबले डिमांड बहुत लार्ज रहेगी क्योंकि कंज्यूमर कम प्राइस पे ज्यादा सामान खरीदना चाहता है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे सिचुएशन किस चीज की रहेगी, यहाँ पे बेसिकली हमारी जो सिचुएशन है वो एक्सेस डिमांड को शो कर रही है, 40 इज ग्रेटर देन 20 एंड 50 इज ग्रेटर देन 10। यानी ये दोनों कंडीशंस, यानी ऊपर की दो नीचे की दो, ये मार्केट इक्विलिब्रियम की कंडीशन नहीं है, क्योंकि मार्केट इक्विलिब्रियम की कंडीशन में हमने क्या पढ़ा है कि डिमांड फॉर कमोडिटी इज इक्वल टू सप्लाई फॉर द कमोडिटी, बिल्कुल बराबर हो जाए, और यहां पे हमें इक्विलिब्रियम प्राइस भी नहीं मिल पा रही है। लेकिन अगर हम थर्ड कंडीशन देखें तो बेसिकली थर्ड वो कंडीशन है जगह पे हमारी थ्री प्राइस जब थी तो क्वांटिटी सप्लाई और क्वांटिटी डिमांड एक दूसरे को एग्जैक्टली मैच कर जा रहे थे। यानी मार्केट में जब थ्री प्राइस पे कोई क्वांटिटी सप्लाई की जा रही थी तो उसी प्राइस पे एग्जैक्टली डिमांड मैच कर जा रही थी। अब इसको थोड़ा ग्राफ से समझते हैं, ग्राफ बहुत टेढ़ा लग रहा है लेकिन बहुत सिंपल सा ग्राफ है। इसको देखिए, जब प्राइस एक्चुअली थ्री थी तो उस थ्री प्राइस पे ई एक ऐसा पॉइंट था जहां पे सप्लाई और डिमांड एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे थे। अब यहां पे इंटरसेक्ट करने का मतलब क्या होता है, यहां पे जहां पे भी दो पॉइंट आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर जाते हैं वो पॉइंट बेसिकली इक्विलिब्रियम का पॉइंट हो सकता है, या फिर वो पॉइंट होगा जहां पे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन ड्रॉ हो रही है, या फिर ऐसी कोई चीज हो रही है जहां पे हम एक्चुअली पहुंचना चाहते हैं। तो बेसिकली सप्लाई और डिमांड एक दूसरे को इंटरसेक्ट कहां पे कर रहा है, ई पॉइंट पे कर रहा है। यानी ये एक्चुअली हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है, वो पॉइंट है जहां पे क्वांटिटी सप्लाई और क्वांटिटी डिमांड एग्जैक्टली मैच कर जा रही थी जब प्राइस थी थ्री। अब देखिए, जब प्राइस इंक्रीज होता है या प्राइस फॉल करता है तो इस ग्राफ पे क्या इंपैक्ट पड़ता है। मान लेते हैं कि प्राइस फोर गया और प्राइस फाइव चला गया, प्राइस और ऊपर जंप किया। देखिए, तो जितना ज्यादा प्राइस जंप करेगा, हमारी प्राइसेस जब इंक्रीज करती है तो क्वांटिटी सप्लाई भी इंक्रीज कर जाती है। यानी मैंने अभी बताया आपको कि लार्जर प्राइस पे प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा तो सप्लाई ऑब्वियसली बढ़ेगी। तो जब सप्लाई ऑब्वियसली बढ़ रही तो प्राइस इंक्रीज की, तो सप्लाई की ये लाइन देखिए इधर की तरफ और आगे की तरफ बढ़ गई, आगे की तरफ चली गई। लेकिन उसके कॉन्ट्रेरी में जब प्राइस इंक्रीज हुई तो सप्लाई तो इंक्रीज हुई लेकिन डिमांड फॉल करी। क्यों? क्योंकि डिमांड जो होती है वो हमारे कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से होती है, और डिमांड किधर की तरफ जा रही है, इधर की तरफ जा रही है। अब यहाँ पे एक छोटी सी बात मैं आप लोगों को समझा देता हूँ कि देखिए, डिमांड के साथ हमने पढ़ा था कि डिमांड अगर डाउनवर्ड शिफ्ट होती है, इसको ध्यान से देखिए, डाउनवर्ड शिफ्ट होती है तो वो इंक्रीज होती है। इधर की तरफ अगर डिमांड है तो क्या शो कर रहा है, पॉजिटिव, यानी वो इंक्रीज होता है। बट ऑन दी अदर हैंड अगर डिमांड जो है हमारी इधर की तरफ जा रही है तो वो क्या शो करेगा, नेगेटिव, यानी ये कम शो कर रहा है कि हमारा नेगेटिवली डिमांड भाग रही है। तो यहाँ पे देखिए, डिमांड किधर की तरफ जा रही है, इधर की तरफ जा रही है, इसका मतलब कि डिमांड हमारी कम हो रही है। और कम क्यों हो रही है, क्योंकि प्राइस हमारा इंक्रीज कर गया है। अब देखिए, ये इम्बैलेंस सिचुएशन बैलेंस सिचुएशन में कैसे बदलती है। मार्केट में जब प्राइस इंक्रीज की, सप्लाई बहुत इंक्रीज की। अभी किसी भी सामान की अगर एकदम छिछी लेदर मच जाए, सामान बहुत ज्यादा मार्केट में सप्लाई कर दिया जाए, यानी ये जो मार्कर था, लेट सपोज 100 लोग मांग रहे थे, 100 सप्लाई किया जा रहा था, लेकिन 100 लोग मांग रहे हैं, अगर 10,000 सप्लाई कर दिया जाएगा तो पता ये चलेगा कि सप्लायर देखेगा कि यार मार्केट में सप्लाई, हमारा मार्कर तो पड़ा हुआ है, डिमांड कोई कर ही नहीं रहा है। तब उसको ये समझ में आएगा कि वो प्राइस इसका मतलब ज्यादा है, तभी कंज्यूमर डिमांड नहीं कर रहे हैं, तो वो क्या करेगा, प्राइस को थोड़ा नीचे लेके आना शुरू करेगा। अब प्राइस को जब नीचे लेके आना शुरू करेगा तो फिर से वो स्टक करेगा इक्विलिब्रियम पॉइंट पे थ्री पे, जहां पे क्वांटिटी डिमांड क्वांटिटी सप्लाई को मैच कर जाएगा। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद एक अदर सिचुएशन है जब प्राइजेस हमारी क्या कर रही है, फॉल कर रही है, ठीक है, यानी हमारी प्राइजेस अब फॉल कर रही। अब जब प्राइजेस फॉल कर जाती है तो क्या होता है, तो जब प्राइजेस फॉल करती है तो हमारी सप्लाई तो कम हो जाएगी लेकिन डिमांड इंक्रीज करेगी, कम प्राइस पे हमारा कंज्यूमर ज्यादा सामान खरीदना चाहेगा। लेकिन ऐसी सिचुएशन में फिर से देखिए क्या होगा, देखिए प्राइस नीचे आ गई, नीचे आ गई, यहाँ पे आ गई। अब कम प्राइस है, ऑब्वियसली सप्लाई इधर की तरफ आ रही है। देखिए, अभी मैंने एक बात आपको समझाया है डिमांड से रिलेटेड, सप्लाई जितनी इधर की तरफ जाएगी ये क्या शो करेगा, इंक्रीज इन सप्लाई, लेकिन जितनी ये बैकवर्ड बैकशिफ्ट करेगी ये क्या शो करेगा, नेगेटिव, यानी माइनस की तरफ। तो ये जितना पीछे की तरफ आ रहा है इसका मतलब कि सप्लाई हमारी घट रही है, और डिमांड जितना इधर डाउनवर्ड शिफ्ट हो रहा है इसका मतलब डिमांड इंक्रीज हो रही है।
तो पता ये चला कि यहां पे नीचे आई, तो यानी ये सिचुएशन जो हुई, ये जो गैप क्रिएट हुआ ऊपर की तरफ, वो किसको, उसने क्या शो किया था, उसने शो किया था एक्सेस सप्लाई। इसी तरीके से ये जो गैप क्रिएट हुआ है, गैप क्या शो कर रहा है, एक्सेस डिमांड। कैसे शो कर रहा है, अब देखिए डिमांड यहां पे आया डी पॉइंट, सप्लाई यहां पे आया, यानी बेसिकली सप्लाई इतनी हो रही है लेकिन उसके रिस्पेक्ट में डिमांड कितनी हो रही है, इतनी हो रही है, इतनी ज्यादा डिमांड है। इस यहां तक डिमांड जा रही है और सप्लाई, यानी ये क्या है, ये जो खाली पोर्शन है ये एक्सेस डिमांड को शो कर रहा है। फिर से वही बात है कि देखिए कि प्राइस फॉल की, डिमांड इंक्रीज की, लेकिन एक हद के ज्यादा जब डिमांड ऊपर भाग जाएगी, यानी बेसिकली मार्केट में 100 लोग मांग रहे थे, मार्केट 100 लोग सप्लाई कर रहे थे, लेकिन अभी भी अगर 100 ही लोग सप्लाई करने वाले और मांगने वाले 1000 लोग पहुंच गए, तो ऐसी सिचुएशन में होगा क्या कि ऑटोमेटिकली प्राइस जंप कर जाए, यानी प्राइस ऊपर को भागेगी। तो जब प्राइस ऊपर को भागेगी तो ये प्राइस 1, 2, 3 फिर से इस इक्विलिब्रियम पॉइंट पे पहुंच जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि ये जो एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई, ठीक है, यहाँ पे सप्लाई इंक्रीज है, और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड का जो गेम है ऊपर की तरफ, ये तब तक कंटिन्यू रहता है जब तक मार्केट अपने आप को फिर से क्लियर कर लेती है इक्विलिब्रियम पॉइंट पे, या इक्विलिब्रियम बेसिकली क्वांटिटी, जहां पे मार्केट में कुछ भी एक्सेस नहीं बचता। इसी तरीके से ये एक्सटेंशन ऑफ डिमांड और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई का खेल तब तक कंटिन्यू रहता है जब तक मार्केट फिर से अपने आप को क्लियर नहीं कर लेती है और इक्विलिब्रियम पॉइंट पे नहीं पहुंच जाती है। तो ये एक सिंपल सा शेड्यूल है, सिंपल सा ग्राफ है, आप इसको बनाइए, एक दो बार वीडियोस को फिर से देखिए, ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएगा। तो ये एक छोटा सा डिस्कशन था, सिंपल सा डिस्कशन जो हमको करना था। ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज इस पे जरूर आप कमेंट करिएगा, इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। और तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, एंड कीप ऑन वॉचिंग इकोनॉमिक्स ऑन द मूव। थैंक यू।